शिवचरण जी, आज मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ की नई दुकान खोल दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, ये सच क्यों बोलते हैं? इनकी एक बात सच्ची तो मुझे बता दो, एक वादा इनका पूरा हो तो बता दो। तो मैं झूठों के बारे में बताऊं क्या? ये तो जनता बता रही है ना कि झूठ की दुकान सच की दुकान। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये अभी तक हमारे जो भाजपा के सीनियर नेता है ना, वो सोच रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार चढ़ेगी। जनता देख रही है झूठ का पिटारा, झूठ का पिटारा जितना चल रहे हैं। क्या काम किया उसने? एक काम का प्रूफ मेरे पास ले आओ जिसमें जनता कह दे कि सबको फायदा हुआ है। आयुष्मान इंडिया कहा जी 5 लाख रुपए देंगे, किसको देगा भाई? जिसके पास टेलीफोन नहीं होगा लैंडलाइन, जिसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, जिसके पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं होगी, जिसके पास 10,000 रुपए की इनकम होगी। तो दिल्ली में तो मेरे ख्याल 14,500 रुपए तो मिनिमम वेजेस है, तो किसको देंगे आयुष्मान इंडिया? कोई जिस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, हवा में तीर फेंकते हैं। जनता धीरे धीरे समझ रही है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और कौन किसके काम नहीं कर रहा, ये अभी समय बताएगा आपको। आज के जो सभा थी आज की आपकी, यहाँ जनता की समस्याएं थी, तो ये समस्याएं कब तक आप पूरी करेंगे? जनता की जितनी भी समस्या थी एमसीडी को लेकर थी, आप यहाँ देख भी रहे थे, एक भी दिल्ली सरकार को लेकर समस्या नहीं थी। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है, काम नहीं कर रही, जनता को लूट रही है और ये जनता इससे परेशान है। जनता परेशान है, इनका हल भी मैंने बताया है कि आप मेरे पास आए, इसको मिलके जब सफाई नहीं हो रही है यहाँ पर, कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही, सड़क में मलबा पड़ा है, लोगों को कुत्तों से परेशानियां हैं, इस तरह की परेशानियों के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे ये करें ना करें, हम करके देंगे। ये तो सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं और जनता देख रही है। जी बिल्कुल।